दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस चैनल पे आपको जिस भी दवाई के बारे में बताया जाता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देता हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए, ना कि इसमें कोई एडवाइस दी जाती है आप पर्टिकुलर दवाई को ले। यदि आप किसी दवा का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उसका सेवन करें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन फॉर्म के बारे में, जो दवा है सेफ्ट्रिक्सोन। यह दवा एंटीबायोटिक ग्रुप की एक दवा है। इस दवा का यूज क्या रहता है पूरे विस्तार से हम जानेंगे, किस किस ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, और इस इंजेक्शन को यदि कोई व्यक्ति लगा रहा है या कोई नर्सिंग स्टाफ लगा रहे हैं, और मरीज और नर्सिंग स्टाफ दोनों को क्या क्या सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के बारे में आप जान सके। आप अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सेफ्ट्रिक्सोन एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, जो थर्ड जनरेशन सिफोलोक्सिबिन के ग्रुप की दवा है। यह बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, साथ ही डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, क्योंकि यह दवा बहुत ही लंबा असर रखती है जिससे कि पेशेंट को कम से कम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और यह बैक्टीरिया की सेल की ग्रोथ को सिंथेसिस को खत्म करके इस बैक्टीरिया को मारता है, और इस प्रकार से ये अपना कार्य करता है। इसकी ब्रांड नेम के बारे में बात करते हैं, किस किस नाम से मार्केट में मिल जाती है। तो सबसे अच्छी जो पॉपुलर ब्रांड है मोनोसेफ है, मोनोटेक्स है, जोसेफ, जोन, ये सभी इसकी पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी खूब सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है जो आप आसानी से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल नाम रहता है सेफ्ट्रिक्सोन ही रहता है। इसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम, ये सभी इंजेक्शन की स्ट्रेंथ अवेलेबल रहती है। ये आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। अब इस इंजेक्शन के यूज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसके यूज रहते हैं पूरी डिटेल में, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, इसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला जो इसका प्रयोग है, मुख्य प्रयोग है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे न्यूमोनिया है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, श्वास लेने में परेशानी रहती है, साथ ही खांसी चलती है, तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस हो गया, मतलब ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ गई है, वो श्वास लेने में उसको परेशानी हो रही है, साथ ही बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ऐसी स्थिति में भी यह इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद है। अगर बात करते हैं मैग्नीटिस की, जिसमें आपकी सर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा गर्दन के पीछे, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी डॉक्टर सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन प्रयोग लेते हैं। साथ ही UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो एक्यूट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसमें पेशाब में जलन रहती है, दर्द रहता है, और साथ ही पेट भी दर्द होने लग जाता है, तो उस स्थिति में भी ये सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। गोनोरोया करके एक बीमारी है दोस्तों, जिसमें सेम UTI इन्फेक्शन ही है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में ही पेशाब में जलन रहती है, दर्द रहता है, और कुछ डिस्चार्ज रहता है उनके जननांगों में से, उसके ट्रीटमेंट में भी यह दवा काफ़ी फायदेमंद रहती है। और कोई भी तरह का अगर सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उस दरमियान भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए सेफ्ट्रिक्सोन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही कोई यदि आपको घाव हो गया है, कोई ऑपरेशन के स्टिच वगैरह लगे हुए हैं जिसमें आपको मवाद पड़ जाती है, पस पड़ जाती है, उसको सुखाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा यूज लिया जाता है। और बात करें दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कान में दर्द है, कान में पस आ रही है, जो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक तरल बहता है कान में से, जिसे ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट में भी यह सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन बहुत ही फायदेमंद रहता है। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी महिला को पल्विक एरिया में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि ओवेरी में, उसकी यूटेरस में, साथ ही फेलोपियन ट्यूब के महिला में या मेल के यूटेरस में प्रॉब्लम होगी हो, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी यह दवा बहुत ही असरकारक रहती है, डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। साथ ही यदि किसी के हड्डी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण से हड्डी में सूजन आ गई है, जॉइंट में सूजन आ गई है, तो भी डॉक्टर ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। और
किसी भी प्रकार का यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो बॉडी में, तो सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों प्रयोग को डिटेल में जानने के बाद में साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों इस इंजेक्शन की, तो इसके साइड इफेक्ट में सबसे जो कॉमन है वो इंजेक्शन की साइड पे मरीज को दर्द रहेगा, पेनफुल इंजेक्शन रहेगा, साथ ही उल्टी हो सकती है, मरीज को दस्त लग सकती है और सीजर मतलब दौरे भी उस मरीज को एट ए टाइम आ सकते हैं। और कुछ समय बाद में अगर साइड इफेक्ट देखते हैं तो हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसे खून की कमी भी हम कहते हैं, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो जरूर उसे अपने डॉक्टर से दिखाएं और तुरंत ही अगला ट्रीटमेंट लें, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या सावधानी रखनी होती है जब आप सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन लगाते हैं किसी पेशेंट को, या उस पेशेंट को क्या सावधानी रखनी है, क्या उसको समझदारी रखनी है जिसको वो लग रहा है। सबसे पहले तो इस इंजेक्शन का ये ध्यान रखें कि इंजेक्शन सील खुली हुई नहीं हो, उसका सील पैक ही रहे। दूसरा जो उस आपको ध्यान रखना है, उसमें किसी प्रकार का पार्टिकल नहीं होना चाहिए पाउडर में। और इस इंजेक्शन को जब भी आप डिजोल्व करते हैं तो डिस्टिल वाटर में ही डिजोल्व करें, या तो इस इंजेक्शन के साथ में आ जाएगा या आपको अलग मार्केट से परचेज करके लेके डिस्टिल वाटर में इसको डिजोल्व करना है। और यदि आप इसका आईवी इंट्रावीनस मतलब नस में इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो 9.6 ml डिस्टिल वाटर में इस पाउडर को डिजोल्व करना होता है सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को। और यदि आप IM इंट्रामस्कुलर लगवा रहे हैं तो आपको 3.6 ml डिस्टिल वाटर में इसको डिजोल्व करना होता है। ये कुछ सावधानियां हैं। इसके अलावा जो मेजर आपको ध्यान रखना है, AST जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है किसी भी इंजेक्शन लगने से पहले, वो आपको कराना जरूरी होती है, क्योंकि सिफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक दवा है, यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी करे तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले सब क्यूटेनियस इसको AST करें, उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये इंजेक्शन आप लगाए। और कई व्यक्ति को AST में ये प्रॉब्लम नहीं करता है, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो इसको आप बिल्कुल स्लो ही लगाएं, जिससे कि व्यक्ति को कुछ लक्षण अतिरिक्त दिखने पर इंजेक्शन को रोका जा सके और उसको किसी खतरे से सामना नहीं करना पड़े। और इस इंजेक्शन को आपको स्लो IV ही लगाना होता है, क्योंकि यदि आप फास्ट IV लगाते हैं तो उल्टी पेशेंट को हो सकती है। ये कुछ प्रमुख सावधानियां थी इस इंजेक्शन को लगाते समय जो नर्सिंग स्टाफ को और पेशेंट को दोनों को ध्यान होनी चाहिए। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो मैंने सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के लिए बनाए हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आतिज के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।